मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, हम तो नामांकन आज करने जा रहे हैं। क्रिकेट में शोहरत नहीं मिली, लेकिन बिहार के सियासत में राजद नेता तेजस्वी यादव एक मंझे हुए खिलाड़ी की पारी खेल रहे हैं। तेजस्वी ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े राजनेता नहीं कर पाते हैं। एक झटके में उन्होंने भाजपा के हाथों से एक राज्य छीन लिया। आज हम आपको तेजस्वी यादव की पूरी कहानी बताएंगे। जन्म से लेकर अब तक उन्होंने क्या क्या किया, राजनीति में कैसे आए, शिक्षा से लेकर संपत्ति और घोटाले तक की जानकारी देंगे। बता दें कि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के छोटे बेटे हैं। इनका जन्म बिहार के गोपालगंज में 9 नवंबर 1979 को हुआ। बड़े राजनीतिक परिवार में जन्मे तेजस्वी ने केवल 9वीं तक पढ़ाई की है। घर में छोटा होने के चलते वो सबके लाडले भी हैं। क्रिकेट की खातिर पढ़ाई नहीं की, खेल में भी फेल हो गए। तेजस्वी यादव राजनीति में कदम रखने से पहले क्रिकेट खेला करते थे, वो क्रिकेट में ही करियर भी बनाना चाहते थे। तेजस्वी झारखंड की तरफ से एक रणजी मैच भी खेल चुके हैं। दिल्ली अंडर 19 टीम में तेजस्वी भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ थे। IPL में भी उनका चयन हुआ था। 2008 में दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम ने उन्हें खरीदा था। हालांकि IPL के दौरान उन्हें मैदान में खेलने का मौका कभी भी नहीं मिला है। जब तेजस्वी को लगा कि वह क्रिकेट में करियर नहीं बना पाएंगे तो उन्होंने 2012 में पिता की राजनीतिक विरासत संभाली, वह राजनीति में उतर आए। मतलब क्रिकेट के लिए ही तेजस्वी ने पढ़ाई नहीं की, जब खेल में कुछ खास नहीं कर पाए तो वह राजनीति में उतर आए। यूं तो 2012 से तेजस्वी यादव अपने पिता के साथ चुनावी कार्यक्रमों में नजर आने लगे थे, लेकिन मई 2013 में आयोजित परिवर्तन रैली में तेजस्वी यादव की सियासी लॉन्चिंग हुई थी। लालू ने 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पटना के गांधी मैदान में विशाल परिवर्तन रैली का आयोजन किया था। पहली बार लालू यादव अपने दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी को मंच पर लेकर आए थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने RJD की पूरी कमान संभाल ली, कम उम्र में विधायक और फिर डिप्टी CM। जी हां, 2015 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पहली बार राघोपुर सीट से चुनाव लड़ा। तब उनकी उम्र महज 26 साल की थी। वो विधायक चुने गए, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन उस वक्त महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार थे, इसलिए ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, हालांकि खुद डिप्टी CM बने। तेजस्वी यादव पर कई घोटालों के भी आरोप है, बेनामी संपत्ति का भी आरोप लगा। तेजस्वी यादव को बचपन से जानने वाले लोग बताते हैं कि बचपन से ही वो बहुत ज्यादा सोशल नहीं है, वो बहुत ही संकोची स्वभाव के थे। लोग ये भी कहते हैं कि तेजस्वी शर्मीले भी थे। तेजस्वी बचपन से ही क्रिकेट के प्रशंसक रहे हैं। उन्हें दिल्ली की अंडर 15 क्रिकेट टीम के लिए चुना गया था। फिर स्पोर्ट्स करियर बनाने के लिए 10वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली अंडर 17 और अंडर 19 क्रिकेट टीम में जगह बनाई। लोग तो ये भी कहते हैं कि हेयर स्टाइल चेंज करने के शौकीन रही है तेजस्वी यादव। जी हाँ, तेजस्वी यादव की हेयर स्टाइल भले ही आपको अब साधारण लग रही हो, मगर पहले वो अपनी हेयर स्टाइल भी चेंज करते थे। तेजस्वी लंबे बालों के शौकीन रहे हैं। तेजस्वी झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। तेजस्वी यादव का चयन IPL में दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए भी हुआ था, मगर उन्होंने कभी कोई मैच नहीं खेला है। इस दौरान भी उन्होंने लंबे बाल ही रखे थे। तेजस्वी यादव 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए थे। तेजस्वी नवंबर 2015 से जुलाई 2017 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन राजनीतिक करियर तो उनका 2010 से ही शुरू हो चुका था। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। डफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। डफकॉन, the only steel for tough construction.